बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। मान्य सदस्य 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा की बात चल रही है, आज के समय में पूरे प्रदेश के युवा बड़ी उम्मीद के साथ में इस तरफ देख रहे हैं। मैं खुद छात्र संघ चुनाव के माध्यम से, छात्र राजनीति के माध्यम से उस विश्वविद्यालय से यहां तक पहुंचा हूं, उस विश्वविद्यालय की बात मैं करने आया हूं। मान्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समस्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग की। क्लासेज प्रॉपर कहीं पे नहीं लग रही। छात्र राजनीति से कई सारे भाई आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन कि ये जो सीटें खाली है जल्दी से जल्दी भरी जाए। साथ ही साथ जोधपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा, MPET एक एग्जाम हुआ था PhD का, उसमें भारी अनियमितताएं हुई थी, उसकी भी एक बार सही तरीके से जांच करवाई जाए। साथ ही साथ मैं क्षेत्र की बात करूंगा, सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं, सेव में और गडरा में आजादी के 70-75 साल बाद एक एक कॉलेज दी गई, पर आप मानेंगे कि उस कॉलेज में स्टाफ के नाम पर सिर्फ एक आदमी को अपॉइंट कर रखा है, एक आदमी के भरोसे वो पूरी कॉलेज चल रही है। पिछले 2-3 दिन पहले कई सारी अखबार में खबरें छपी, बड़ा दुख होता है छात्र राजनीति के माध्यम से उन विश्वविद्यालयों से जो निकल के प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचते हैं, उन्हीं के क्षेत्र की अगर ये स्थिति हो तो हम सभी के लिए, विशेषकर मेरे लिए ये पीड़ा की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो खाली पद है कृपया करके इनको जल्दी भरा जाए। साथ ही साथ उस सीमांत में विज्ञान संकाय खोलने की ज्यादा जरूरत है, आप विज्ञान के संकाय खोल, स्किल के मामले में हमारे उस तरफ बढ़ाने की जरूरत है। इस हेतु आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेज, ITI और ये तमाम जितने भी नए संस्थान हो सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र को दें, मेरा निवेदन रहेगा। साथ ही साथ खेलों के मामले में धीरे धीरे हम पिछड़ते जा रहे हैं, आप इंडोर स्टेडियम के लिए मैं डिमांड करूंगा, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सेव में एक इंडोर स्टेडियम कॉलेज को दें, ई लाइब्रेरी दें। सेव जो है वो बाबा गरीबनाथ जी की धरती है, मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जो महाविद्यालय खुला है उसका नाम बाबा गरीबनाथ जी के नाम से हो। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी वाइस चांसलर्स की बात चल रही थी, वाइस चांसलर एक अकेडमिक पोस्ट है, आप शिक्षाविदों को वहाँ भेजें, राजनीति करने वालों को कृपया ना भेजें। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि BEd, BSTC और तमाम ये जो कॉलेजेज हैं इसके अंदर डोनेशन के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा है, कृपया करके आप इस पर भी एक बार नज़र डालें। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल की ज़रूरत उस क्षेत्र को है, पेट्रोकेमिकल के लिए आप नए ब्रांचेज हमें उस क्षेत्र को दें। सेव के लिए मैं NCC की डिमांड भी करूंगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर कॉलेज की और वेटनरी कॉलेजेस की ज़रूरत है, आप उस क्षेत्र को देखते हुए एग्रीकल्चर और वेटनरी कॉलेज की भी व्यवस्था कराएं। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बालिका शिक्षा की हम हर समय बात करते हैं, बालिका शिक्षा को मुफ्त करने का मेरा सुझाव है आपको, आप एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाएं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ सके। जब कहा जाता है कि KG से लेकर PG तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे, पर एक जगह भी ये नहीं हो रहा, आप कृपया करके इस हेतु इस बारे में भी आप सोचें। साथ ही साथ आज का समय जो है वो AI का, रोबोटिक्स का, डेटा एनालिस्टिक का है, पर आज भी हम उसी पुराने रीति रिवाज से चल रहे हैं, मेरा निवेदन कि आप इस बारे में सोचें। साथ ही साथ जो भी हमारे पुस्तकालय हैं, प्रयोगशालाएं हैं, आप उनकी तरफ उनको रिनोवेट कैसे कर सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नए संसाधन कैसे जुटा सकते हैं, इस हेतु भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे, इस चीज का मुझे भरोसा है। आज के समय में समस्याएं ज्यादा है, 8 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले ये तमाम लोग जो आज आपसे निवेदन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2027-28 तक आने वाले 5 साल बाद तक
हमारे पास 70 लाख बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो जाएगी। उसके लिए हमें सोचना होगा, नए संसाधनों को तैयार करना होगा। सरकारी आंकड़े और फोर्ब्स की रिपोर्ट कह रही है कि 88 लाख आज के समय में बेरोजगार है। समस्याएं खूब है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पूरी मेहनत करके इस समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव जरूर कराया, बड़ा मन है आपने।